हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद सौम्या। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार और चटपटी पालक चिकन की रेसिपी। बिल्कुल आसानी से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पानी उबाल लिया है। उबलते हुए पानी में मैंने डाला है 2 से 3 बंचेस पालक। पालक को अच्छे से धोकर डाल लिया है। इसी गर्म पानी में पालक को 1 से 2 मिनट के लिए रहने देंगे। 2 मिनट के बाद निकाल लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, पालक सॉफ्ट हो गया है। अभी जल्दी से पानी से निकाल लेते हैं। गर्म पानी से निकालने के बाद तुरंत इसे बर्फ वाले पानी में डालना है। अभी इसमें भी 2 मिनट रखेंगे और निकाल लेंगे। सारे अलग निकाल लिए हैं और इसमें मैंने डाला है 3 से 4 हरी मिर्च। अब इनका पेस्ट बना लेते हैं। अब ये पेस्ट तैयार है। अभी एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाला है 2 छोटे छोटे पीसेस दालचीनी के, 1/2 चम्मच जीरा, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, लौंग 3 से 4 और 1 तेज़पत्ता डाला है। अभी इसमें मैंने डाला है 2 प्याज। 2 बड़े साइज के प्याज को महीन काट के डाला है। अभी प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा गुलाबी कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है। अभी इसमें डालेंगे चिकन। चिकन 750 ग्राम का है। इसे धोकर इसमें से सारा पानी निकाल लिया था। और इसमें डालेंगे 2 टमाटर और इसके साथ ही डालेंगे कुछ स्पाइसेस पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, पेपर पाउडर 1/2 चम्मच और चिकन मसाला पाउडर 1 चम्मच, नमक डाला है स्वाद के अनुसार और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला है। इन सबको अभी मीडियम फ्लेम में मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम में हमें चिकन को पूरा गलने तक पकाना है। अभी फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। देखिए मैंने पूरा लो फ्लेम में पकाया है और बीच बीच में चला लिया था 1-2 बार। चिकन अभी अच्छे से गल गया है और मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला था। अभी लास्ट में इसमें डालेंगे पालक वाला पेस्ट। एक बार मिलाने के बाद जितना चाहिए उतना पानी डालेंगे। रंग देखिए कितना अच्छे से आया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक बार नमक वगैरह चेक कर लेंगे। अभी फिर से इसे ढककर लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, ये पालक चिकन बनके तैयार है। और ये जैसे ठंडा होगा ना और थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा, तो अभी ये टेक्सचर ठीक है। आखिरी में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेंगे। अभी ये बिल्कुल तैयार है। अभी इसे सर्व कर लेते हैं। स्वादिष्ट पालक चिकन बनके तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।